महाराष्ट्र के पुणे से मध्य प्रदेश के उज्जैन की तरफ अशोका ट्रेवल्स की एसी स्लीपर क्लास बस में उतरने के बाद उज्जैन निवासी शिक्षिका और उसके 10 वर्षीय मासूम बेटे की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने बस प्रबंधन के साथ ही ड्राइवर और कंडक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया था। अब इंदौर पुलिस ने बस के 2 ड्राइवर और 1 कंडक्टर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। सर, माँ बेटे की मौत हुई थी बस में, ड्राइवर का मुकदमा दर्ज करा। 18 तारीख की रात की घटना है ये। 3 व्यक्ति थे, जिसमें 2 महिला थी और एक महिला का लड़का था, जिसमें एक का नाम रतक का नाम रतिका का नाम पुष्पा था और एक का नाम है लड़के का नाम आदित्य राज और एक का दीपिका नाम है। तो ये लोग पुणे से उज्जैन की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में करीबन 2 या 3 बजे की रात की घटना है, जिसमें दीपिका और आदित्य राज की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिस संबंध में इनके द्वारा बस ड्राइवर और कंडक्टर और जो भी क्लीनर थे उसमें बस के स्टाफ को बताया गया कि इनकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो करीबन उनको थोड़ी देर में उल्टी और दस्त वगैरह हो रही थी, तो उनके द्वारा बार बार उनको बताया जा रहा था कि कोई आपके मेडिसिन वगैरह हो या कुछ हो तो वो इलाज के लिए कुछ दे दें, प्राथमिक उपचार के लिए कुछ दे दें, लेकिन बस स्टाफ के द्वारा कोई उनकी सहायता नहीं की गई, नहीं कहीं भाई बस रोक के कोई इलाज कराया गया। इस संबंध में बस की भी टेक्निकल जांच कराई गई है और जो मृतक की मृतिका और मृतक के परिवारजन थे उनके भी कथन लिए गए हैं। बस में और भी लोग यात्री जो यात्रा कर रहे थे उनके कथन लिए गए हैं। कथन लेने के बाद मार्ग जांच में हमने ये पाया कि बस कंडक्टर और ड्राइवर और उनके बस स्टाफ के द्वारा लापरवाही बरतने से जो मृतिका दीपक थी और मृतक आदित्य राज की घबराहट होने से और तबीयत ज़्यादा ख़राब होने से उनकी जब उनको इलाज के लिए भर्ती कराया गया तो उनकी मृत्यु हो गई। और इस संबंध में फिर जांच के दौरान हमने ये सब चीज़ें पाई है, तो उसके बाद हमने इस संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जो धारा 304 के तहत हमने पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी गिरफ्तार हुए? हाँ, इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 2 ड्राइवर थे और 1 क्लीनर था। आपका उप निरीक्षक सत्यजीत सिंह चौहान, थाना संयुक्तागंज।